झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान से जैसे सियासी जलजला आ गया है। ब्राह्मण समाज ने पुतला फूंका, विरोध प्रदर्शन किया और फिर मामला बिगड़ता चला गया, लेकिन उन्होंने बिगड़ते इस मामले को देखने के बाद माफी भी मांग ली। लेकिन बीजेपी जलेश्वर महतो के इस बयान के बहाने कांग्रेस को ब्राह्मण हिंदू विरोधी पार्टी बता रहा है। ऐसा लगता है कि माफी के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। सुरेश जी नोट कर लीजिए इस बात को, दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है, इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं, वो ब्राह्मणों का, बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के इस फूहड़ बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। विवादित बयान के बाद से ही ब्राह्मण समाज में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। बयान के खिलाफ समाज के गुस्से ने अब विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया है और जगह जगह जलेश्वर महतो का पुतला दहन किया जा रहा है। दरअसल जलेश्वर महतो माटीगढ़ा डैम ग्वाला धौड़ा में आयोजित दो दिवसीय गोवर्धन पूजा समारोह में पहुंचे थे। यहां वो सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जलेश्वर महतो ने दावा करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग ऑटोमेटिक कसाई खाना चलाते हैं। उनके इस बयान का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और जगह जगह विरोध में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी। जलेश्वर महतान बाजी किया है, वो अपना हिंदुत्व तो नहीं है, वो अपना कट्टरपंथी है, वो महागुंडा है। अगर वो नेता रहता, सार्वजनिक का नेता रहता, तो सार्वजनिक का भाषण इस तरह से नहीं देता, नंबर एक। नंबर दो, कि वही ब्राह्मण उसका कुल पुरोहित भी होगा कोई ब्राह्मण। आज ब्राह्मण प्रति जो उतना निंदा पर आया है, ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि उसका मुंह से ऐसा कैसे निकल गया। एक तरफ जहां ब्राह्मण समाज जलेश्वर महतो के खिलाफ आक्रोश जता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने तो कांग्रेस पार्टी और जलेश्वर महतो को हिंदू विरोधी तक करार दे दिया। हालांकि विवाद बढ़ता देख जलेश्वर महतो ने बयान पर यू टर्न ले लिया और ब्राह्मण समाज से माफी भी मांग ली। जलेश्वर महतो जी का मानसिकता शुरू से ही नास्तिक के रूप में रहा। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के प्रति कभी उनका विचारधारा रहा ही नहीं। हम लोग ब्राह्मण समाज को देवता के रूप में हम लोग मानते और पूजते भी, मगर उनका मानसिकता शुरू से ही, हर समाज के प्रति उनका मानसिकता खराब रहा है। आज ब्राह्मण समाज हमारे देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं, देवता के रूप में हैं, और उनके प्रति इतनी बड़ी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी मानसिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उनके एज का इफेक्ट भी हो सकता है। अब मेरी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं है, ना ही कभी मेरी सोच रही है कि यदि, ना ही किसी को ऐसी सोच रही है, मेरी कभी इतना ऐसी सोच रही है, यदि किसी को ठेस पहुंचा है मेरे बयान से जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। राजनीति में धर्म और किसी समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं। जनप्रतिनिधि आए दिन इस तरह की फूहड़ बयानबाजी के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। हैरत की बात ये कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस तरह के बयानों के बाद भी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बहरहाल जलेश्वर महतो के इस बयान के बाद जिले की सियासत क्या मोड़ लेती है, देखना दिलचस्प होगा। धनबाद से नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।